मॉर्निंग फोर्थ क्लास. सो दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ आर चैप्टर नंबर 9 जिसमें हम लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ रहे थे. और अब हम यहाँ पर बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल है के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो बटरफ्लाई ले एग्स ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स. हमें पता है कि जो बटरफ्लाई होती है वो प्लांट्स के ऊपर ही अपने अंडे देती है क्योंकि वो प्लांट्स के ऊपर ही रहती है. आफ्टर हैचिंग आउट लार्वा बिगम टू ईट लीव्स. अब हैच होने के बाद जब अंडा टूटता है तो लार्वा क्या करता है, पत्तियों को खाने लगता है. फॉर अबाउट 2 वीक्स, 2 वीक्स तक दे ईट लीव्स. और वो क्या करते हैं, लीव्स ही खाते हैं. देन दे ग्रो इनटू अ कैटरपिलर. और फिर वो एक कीड़े जैसे बन जाते हैं जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं. ठीक है. दीज कैटरपिलर शेड देयर आउटर स्किन एंड अटैच देमसेल्फ टू अ ट्विग. और उसके बाद क्या करते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल उल्टी दे रखी है. ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं ये कि एक ना अपनी आउटर लेयर शेड करने लगते हैं और एक ऐसे स्टिक से, एक पत्ते से लटक जाते हैं. ये ऐसे लटक जाते हैं. ठीक है. अपने आप को कवर कर लेते हैं, अपनी आउटर लेयर निकालते जाते हैं और ऐसे अपने आप को लटका लेते हैं. दीज स्टेजेस इज कॉल्ड प्यूपा. और इसको हम क्या बोलते हैं स्टेज को, प्यूपा या क्रिसालिस. ठीक है. द बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ दिस प्यूपा आफ्टर नियरली 2 वीक्स. 2 वीक्स तक वो ऐसे ही रहता है और 2 वीक्स के बाद वो क्या होता है, एक बटरफ्लाई के रूप में निकल के आता है. यानी पहले जब वो पैदा होता है तब उसके ये विंग्स नहीं होते. वो कब आते हैं, जब ये अपने आप को प्यूपा से बाहर निकालता है. जब प्यूपा की फॉर्म में आ जाता है उसके बाद जब उसको तोड़कर बाहर निकलता है तब वो बटरफ्लाई बनता है. द बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ द प्यूपा आफ्टर नियरली 2 वीक्स, 2 वीक्स में आ जाता है. इट वॉज फॉर इट्स विंग्स टू ड्राई एंड देन इट फ्लू अवे. ठीक है. और इट वेट्स, सॉरी वेट्स लिखा हुआ है. और ये क्या है, वेट करता है कि कब इसके विंग्स सूखे, क्योंकि ये शायद थूक का बना होता है तो विंग्स उसके गीले हो जाते हैं. तो जैसे वो सूख जाते हैं फिर उसके बाद वो उड़ जाता है. द होल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैटरपिलर टू बटरफ्लाई इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. जैसे फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस बोलते थे ऐसे ही यहाँ पर भी मेटामॉर्फोसिस ही बोलते हैं. यानी फ्रॉग और बटरफ्लाई दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस. अब यहाँ पर आपको कुछ फाइंड आउट दिए हुए हैं. ठीक है. यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि आप इसमें क्या बताओ कि जो अभी तक हमने पढ़ा है कि यंग वंस, एक तो आपको पूछा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, फिलअप बताइए. द एनिमल दैट ले एग्स आर कॉल्ड, एग्स ले जो करता है उसको क्या बोलते हैं. ये हम पढ़ चुके हैं. हार्ड शेल जो होती है एग की उसको क्या बोलते हैं, जेली लाइक जो वाइट स्ट्रक्चर होता है एग के ऊपर, इनसाइड जो होता है वाइट स्ट्रक्चर जेली लाइक उसको क्या बोलते हैं, जो रिच इन प्रोटीन होता है. ठीक है. लाइफ साइकिल ऑफ यंगर स्टेज टू बिकम एन एडल्ट इसको क्या बोलते हैं. और स्मॉल लार्वा जो होता है फ्रॉग का उसको क्या बोलते हैं. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हैं, तो आप ये खुद ही करेंगे. अब यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, द यंग कैंगरू और जोए इज बॉर्न एट वेरी इमेच्योर स्टेज व्हेन इट इज ओनली अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग. जो यंग कैंगरू होता है वो बहुत ही जल्दी स्टेज पर पैदा हो जाता है जब बहुत इमेच्योर होता है, 2 सेंटीमीटर का होता है एंड वेट लेस देन अ ग्राम, और 1 ग्राम से भी कम होता है. इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इट क्रॉल अप टू द मदर्स बॉडी एंड एंटर द पाउच. और इसीलिए वो पैदा होते ही क्रॉल करके अपने मम्मी के पास चल जाता है और उनके पाउच में ही रहता है. अब हम पढ़ेंगे लाइफ स्पैन ऑफ मैमल के लाइफ स्पैन के बारे में. ठीक है. मैमल्स मतलब जो बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ द मैमल्स लिव ऑन लैंड. ज्यादातर मैमल कहाँ रहते हैं बेटा, लैंड पर रहते हैं. दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज और अपने बेबीज को बर्थ देते हैं और उनको फीड कराते हैं मिल्क. ठीक है. वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर सच एनिमल्स दैट लिव इन वॉटर. दे हैव ब्लो होल और नॉस्ट्रिल ऑन देयर हेड टू ब्रीथ. और ये क्या होता है, जो वेल और डॉल्फिन है बेटा वो एक ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके ऊपर एक होल जैसा बना होता है, एक होल बना होता है, या उसको आप नॉस्ट्रल बोल सकते हो. जैसे हमारी नोज में 2 होल होते हैं ऐसे उनके सर के ऊपर होते हैं और यहाँ से वो ब्रीद करते हैं. दे कैन नॉट ब्रीद इन साइड वाटर और वो पानी के अंदर ब्रीद नहीं कर सकते. दे कम आउट ऑफ द सर्फेस टू ब्रीद और बार बार सर्फेस पे आते हैं ब्रीद करने के लिए. दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज इन साइड वाटर और अपने बेबीज को बर्थ देते हैं पानी के अंदर ही. बेबीज मस्ट बी पुश्ड बाय द मदर टू सर्फेस टू ब्रीद. और बेबीज जो है क्या कहते हैं, मदर को सरफेस पे
मदर के साथ सरफेस तक आते हैं ब्रीद करने के लिए. मैमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर यंग वंस. मैमल्स के अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग कि कैसे वो अपने बेबीज का जो है वो टेक केयर करेंगे. दे आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज ऑन देयर ऑन दिस बेसिस, और दो कैटेगरीज में जो है ये बटे हुए हैं इसी बेसिस के ऊपर. मोस्ट ऑफ द मैमल गिव बर्थ टू द यंग वंस एंड लुक आफ्टर देम. एक तो होते हैं जो अपने बेबीज को बर्थ देते हैं और फिर उनका लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं. इसको इनको बोलते हैं प्लेसेंटल मैमल. क्या बोलते हैं? प्लेसेंटल मैमल. जैसे डॉग हो गया, काउ हो गया, शीप हो गया, कैट हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब अपने बेबीज की टेक केयर करते हैं, तो ये सब प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं कहलाते हैं. अब दूसरा कौन सा तरीका होता है, दूसरे कौन से मैमल होते हैं? कुछ मैमल होते हैं जो यंग वंस को अपने पाउचेस के अंदर कैरी करके रखते हैं. अपने उनके स्किन में एक बैग जैसा होता है और उसके अंदर वो कैरी करके रखते हैं बर्थ के बाद. उनको बोलते हैं मार्सुफियल्स. क्या बोलते हैं? मार्सुफियल्स. कैंगरू एंड ओपोसम आर सच मैमल्स. और ओपोसम एक कैंगरू जैसा होता है जिसके पास भी पाउच होता है, और ये दोनों क्या है? मार्सुपियल. अ फ्यू मैमल्स ले एग टू. कुछ मैमल्स अंडे भी देते हैं. ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था वो ये वाला था, प्लेसिपस पढ़ा था ना पीछे, एक ऐसे मैमल जो अंडे देते हैं. ठीक है, ले एग्स टू डक बिल्ड प्लेसिपस एंड द सिपी एंथ्रर आर सच मैमल्स. दे कॉल्ड मोनोट्रमर्स. ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? मोनोट्रमर्स बोलते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं. तो तीन कैटेगरीज में हमने इनको बांट दिया है जिस तरीके से ये अपने बेबीज को पालते हैं. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर हमने फैक्ट पढ़ा था वो यही है मोनोट्रमस के बारे में. ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पर फिनिश होता है. यहाँ पर आपको लेट्स रिकॉल दिए हुए हैं. लेट्स रिकॉल कुछ भी नहीं है, चैप्टर्स के बीच में से ही कुछ टर्म्स उठाए हुए हैं ये समझाने के लिए कि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं आया. तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से रीड करेंगे और देखेंगे कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है बेटा, इसी के साथ हम लोग अपना जो चैप्टर है वो यहीं पर फिनिश करते हैं.